अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, जहीर और परी केस की नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आज का रंडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है, बहुत बड़ी खबर है, और वो ये खबर है कि बिलाल साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह आजकल सुपरस्टार बने हुए हैं, उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली जाफरी साहब को, जिन्हें मैं दबंग जाफरी साहब कहती थी, उनको अपना वकील कर लिया है। और जाफरी साहब के पास तो पहले ही टाइम नहीं है, वो तो वैसे ही बाजियों के मैसेजेस पढ़ने में बिजी रहते हैं आजकल, और काफी तारीफें जो है वो समेट रहे हैं। तो बिलाल साहब ने आखिर जाफरी साहब को अपना वकील क्यों कर लिया है, क्यों उनकी सर्विसेज वो लेना चाहते हैं? और मैं अपना बैड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी बिलाल साहब के साथ कि प्लीज किसी और लॉयर को आप कर लें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं पायनियर ग्रुप के साथ ही जाऊंगा। तो वो हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी बिलाल साहब को कि पूरे कराची में उनको कोई वकील नहीं नजर आया, लौर दा और मोला जट्टी लबा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ओपोनेंट पार्टी यानी कोक ऑफ के जो जिन हैं, उनके जो वकील हैं, उनका एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो इस वक्त मंजरे आम पर आ चुका है, और हम वो इंकशाफ करेंगे और पूछेंगे अपने दोनों जो गेस्ट हैं, अपने पैनलिस्ट हैं, कि आखिर वो फ्रॉड कौन सा है। वो सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, आई एम श्योर। और इन दोनों से मैंने नहीं पूछा, मैंने अपने सोर्सेस से कंफर्म किया है वो फ्रॉड, और ये हमें आज प्रोग्राम में रिवील करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेडिकल रिपोर्ट यानी MLO की जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने ADJ को जमा करवा दी है, उसके अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, होगा नहीं होगा, इस पे भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर लाइव, लेकिन उससे पहले अपने पैनलिस्ट जो हैं उनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल है। और उनका तारुफ क्या मैं अब करवाऊं कि पहले तो वो मैं समझती थी कि मैं शायद कुछ थोड़ी सी नोन हूं, लेकिन अब वो इतने नोन हो चुके हैं कि उनसे वक्त लेने के लिए भी हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दोनों के ऊपर हमने एक एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है जो सारा दिन उनकी मिन्नतें करता है कि सर आपका थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, और वो कहते हैं कि नहीं सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है, और बार बार घड़ी देखते हैं। तो बस किस्मत किस्मत की बात है, किस किस के सितारे कब कब चढ़ जाएं और कहाँ कहाँ चढ़ जाएं। और वो लोग जो ओपोनेंट पार्टी के थे, जिन्होंने ये केस लिया ही इसलिए था कि उनके जो गुब्बारे हैं वो सीधे आसमान पे जाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गैसी गुब्बारे की जब हवा खत्म होती है तो वो ऊपर से धड़ाम नीचे गिरता है। तो जनाब, अब हम अपने दोनों गैसी गुब्बारे, ओ सॉरी, मेरा मतलब है दोनों पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करा दूं। सबसे पहले हैं दी वन एंड ओनली, नॉट द वन, जाफरी साहब, और दूसरी है दी वन एंड ओनली ब्लू ब्लू सुपरस्टार बिलाल साहब। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको। जी आज मेरे बिलाल और बिलाल साहब के बिलाल कपड़े मैच हो बिलाल रहे सलाम। हैं। जी, जी इंट्रो जी सुनिए, गैसी गुब्बारे। जी आप लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है, ठीक है? जाफरी साहब को जब भी कॉल करो, या तो इनके फैंस की कॉल आई होती है, या फिर ये आजकल केसेस लेने में इतने बिजी हो चुके हैं क्योंकि इनके ऑफिस के बाहर लाइनें लग चुकी हैं कि हो नसीब मौला जटनू ही अपना केस देना है। तो बिलाल साहब, आपको पूरे कराची में कोई और शख्स नहीं मिला, आपने क्यों जाफरी साहब को केस दिया? और मेरी बात सुनो, ये अगले दिन सुलह करा देते हैं अंडरग्राउंड, फिर क्या करेंगे आप कहाँ से हार? हम आपके लिए यहाँ पे आवाज उठाएंगे, हम कहेंगे कि आप उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, और ये आपको कहेंगे हाँ। कोई गल नहीं यार, उन्हें माफी मांग लिया, उन्हें माफ कर नहीं दे। जी, मुझे तो जाफरी साहब पे पूरा ट्रस्ट है। अगर जाफरी साहब कुछ भी करें, स्याह करें, सफेद करें, कुछ भी करेंगे, आप मैंने मेरे इनका भाई हैं वकील कि कर, इनके नहीं अभी तो मैं इनका क्लाइंट हूं। तो क्लाइंट हैं, तो मैं मैं आपको कह रही हूं कि इन पर ट्रस्ट ना करें, चंगी नहीं वो से कर दे। नहीं, वो अब मैं केस दे चुका हूं, अब सारा मामला इनके पास है, तो अब मैं क्लाइंट, जाहिर है कि अब क्लाइंट वाला इशू आ गया है, तो जाहिर है कि मुझे ट्रस्ट नहीं, करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, अगर आपकी सेटलमेंट करा देंगे तो हम आवाज फिर कैसे बुलंद कर पाएंगे? नहीं, वो केस हमारा मुलजमान से ताल्लुक नहीं, इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम जिसके लिए मैंने जाफरी साहब की खिदमात ली है, वो उसका इस केस से ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। मीन्स के इसमें कोई मुदई पार्टी या एक्यूज पार्टी या ये कोई ताल्लुक नहीं है, इस तरह का कोई केस नहीं है हमारा। वो एक थर्ड पार्टी कोई है और उसने अपना इंटरेस्ट यहाँ शो किया, कैसे किया कैसे नहीं किया, तो वो जाफरी साहब कई दिनों से देख रहे हैं। हमने उस पर हल्की फुल्की बात भी की थी, और चूंकि बीच में मेडिएशन भी हो गई थी सारी चीजें, लेकिन अब सुना है जाफरी साहब को बराह रास्त, चूंकि जाफरी साहब सिर्फ वकील ही नहीं है, अब वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म को भी समझ गए हैं। उन्होंने खुद ही, मैंने उनको सिर्फ ये बताया था कि भाई ये मामला है, तो उन्होंने खुद ही अपने सोर्सेज जो उनके कराची में बैठे थे,
उन्होंने सब ही पूरा की पूरा जो रिकॉर्ड है वो सारा निकलवाया। और उसके बाद पहले मैं समझ रहा था कि केस कमजोर है, लेकिन अब जो चीजें जाफरी साहब के जरिए निकली हैं वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग निकल आई है, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जाफरी साहब को अपना वकील करता हूँ। यानी इसका मतलब है कि जाफरी साहब का जो डंडा है मौला जट वाला, वो कराची से लाहौर तक और लाहौर से कराची तक बड़ा इजीली चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। वो मैं तो खुद मैं वाकई मैं शदाई हो गया हूँ इनका, जैसे कि इनको मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये चीजें हैं, तो इन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट भी खुद किया, अपने हरकारे अपने जराए अपने जो कुछ भी किया, और उसकी अथेंटिसिटी को फिर बाद में क्रॉस चेक किया गया, तो पता चला जो जाफरी साहब ने जो जो चीजें की हैं वो बिल्कुल बिल्कुल 110% श्योर के जी बिल्कुल दुरुस्त चीजें साबित हुई है। अच्छा ठीक है नाजरीन, हम इस चीज को अभी थोड़ी देर के बाद रिवील करेंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड है जो ओपोनेंट पार्टी यानी कोक आफ्के जिनके वकील का निकला है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एमएलओ की एप्लीकेशन जो थी वो अब एडीजे के पास चली गई है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? मेडिकल होगा, नहीं होगा, भाई क्या होगा, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए सिंपल सी चीज है, आपको पहले से बता चुके हैं, पहले ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के पास लगी थी, आपने यही लिखा जो हम उससे पहले डिबेट कर चुके थे, जाफरी साहब ने कानूनी राय रखी थी और हमने भी ये बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्ची की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने के अलावा और कोई अमल नहीं है और इसका कोई और मकसद नजर नहीं आता, और यही अल्फाज जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने अपने ऑर्डर में लिख दिए थे। उसके बाद ये मामला फिर सेशन अदालत चला गया, सेशन अदालत ने कहा कि ये हाई कोर्ट जाएगा और हम इसको नहीं सुन सकते। हाई कोर्ट की परसों की प्रोसीडिंग हम आपको बता चुके हैं, और प्रोसीडिंग से पहले भी हमने बताया था कि क्या क्या कौन कौन से कानूनी नुकात होंगे जिसकी वजह से ये मामला होगा, और फिर वहां खुद खुद मुदई मुकदमा के वकील ने ये कहा कि जी चूंकि अब चालान सबमिट हो गया है और जो रिमेडी है वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अवेलेबल है, और चलान के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो रेप है 375 ये भी लगा दी गई है, तो ये आर्ग्यूमेंट सुन के खुद ही जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये कहा कि हम किसी भी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे जो केस पर बराह रास्त असरअंदाज हो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास रिमेडी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज E7 के पास चले जाइए जो कि स्पेशल कोर्ट का उनको भी एक दर्जा हासिल है इस लॉ के तहत, तो वहां आप अपनी रिमेडी को रखें, आप बताएं अदालत को जो चीजें हैं उसके मुताबिक अदालत को फैसला कर देगी। अब उसके बाद तमाम की तमाम जो फाइल है वो सारी की सारी उनके पास आ चुकी है, बाकी ये सारी की सारी रूमर्स हैं, यूं हो गया फना हो गया अब यूं हो जाएगा, अब पहले 24 साल उम्र कैद थी अब फांसी हो गई, अब 2 साल 2 मरतबा फांसी होगी, अब 6 मरतबा फांसी हो जाएगी और यूं हो जाएगा, ये सब अच्छा के यानी कि सब आज ये कपूत। सारा दिन प्रोपोगंडा चलता रहा फांसी के बारे में, अस्तगफिरुल्लाह। भाई देखिए बात सुने, मामला ये है कि जब तक लोग उनके हाथों बेवकूफ बनते रहेंगे वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, लोग देखना बंद कर देंगे तो लोग नहीं देखेंगे, और मैं तो अपने ऑडियंस से कहता हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ ये बात कि अगर आप हमें समझते हैं कि हम सच नहीं बता रहे या हमारे सच के अंदर आपको कोई खोट लगता है जिसकी वेरिफिकेशन आप किसी थर्ड पर्सन से जाकर करते हो तो फिर मत देखें हमें, और अगर आप हमें ये समझते हैं, और उसकी वजह ये है ना, देखें झूठ को जितना देखेंगे आप वो उतना ज्यादा वायरल होगा ना, आप लोग देख रहे हैं उनके ऊपर भी, हमारी वीडियोस को देखते हैं उससे पहले 2 वीडियोस और देख चुके होते हैं, 3 वीडियोस और देखते हैं उसके बाद, असल में लोगों के पास भी मुझे समझ नहीं आता, मैं तो अपने व्लॉग्स ही बना बना के नहीं देखता, मैं जो जाफरी साहब का इंटरव्यू होता है या आपका इंटरव्यू होता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको सही से देख लूं, ठीक है, और लोग पता नहीं क्यों इतना टाइम है उनके पास कि एक दिन में 8-8 व्लॉग्स देखते हैं, और यही बिल्कुल वो वजह है, यही वो वजह है जिसकी वजह से जो मामला है पूरा की पूरा गंभीर हो रहा है, यानी कि उनको रेटिंग मिल रही है और उस वो रेटिंग के नशे के अंदर जो है वो उनका जो जमीर हल्का फुल्का कभी किसी मौके के ऊपर थोड़ा सा उनको झुंझलाता है झुंझेड़ता है कि जी अब थोड़ा सा सही राय रास्ते के ऊपर आ जाएं, अल्लाह अल्लाह को जान देनी है, कब्र के अंदर खुद जाना है, कब्र के अंदर हिसाब भी खुद करना है, तो झूठ ना बोले, लेकिन जो उनकी जो व्यूअरशिप्स है वो उनको फिर जो है वो कहती है नहीं आप भले से कुछ भी करते रहे हम आपके साथ हैं,
तो फिर नहीं, जाहिर है कि लेकिन वो सारे व्यूअरशिप अगर के उनकी उनको मजबूर कर रही है, वक्ती तौर पे वो व्यूज भी ले रहे होंगे, वक्ती तौर पे वो झूठ भी बोल रहे होंगे, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया होगा, लेकिन आगे जाके जब उनकी तमाम बातें गलत साबित होंगी और हो रही हैं, अभी भी मैंने उनके कमेंट सेक्शन में लोगों के पढ़ा है कि उन्होंने लिखा कि जी कोक आपका जिन जो है उनका जो वकील है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है, वो अभी तक MLO नहीं करवाने में कामयाब हो सका, वो अभी तक गैंग साबित कराने में कामयाब नहीं हो सका, ये बातें मैंने पढ़ी हैं। वो लोग फर्क सिर्फ इतना है कि कमेंट्स वगैरह डल कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी उनके गिरेबान पे हाथ डालेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि आपने 4 महीने हमसे झूठ बोला। नहीं देखिए, लोग लोग जब डालेंगे वो एक मामला अलग है। उससे पहले तो रियासत मौजूद है ना, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, ये सारे के सारे मौजूद है ना। इन्होंने सबने पहले ही सब कुछ हो जाना है। केस को थोड़ा सा आईने वाइंडअप की तरफ पाकिस्तान जाने के दें। तहत आपको सलाम आ गया। अच्छा, आईने पाकिस्तान के तहत, वालेकुम सलाम अब्बास, वालेकुम असलाम। तो ये जो आईने पाकिस्तान से लेकर और उम्र कैद और अपनी बचना गयो बयो पता नहीं क्या कुछ है, पता और नहीं लांडी अजीब, जेल, और लांडी जेल, पता नहीं अजीब अजीब चीजें मैं सुन रहा हूँ सारी चीजें। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कुछ सोशल मीडिया की रेगुलरिटी जो अथॉरिटीज हैं वो उस तरीके से फाल नहीं है। और अगर ये पैमरा की तरह इस तरीके की कोई बॉडी इस वक्त एक्टिव होती तो ये सारा कुछ जो है वो आपको देखते कि 2-3 हफ्तों के अंदर ये सारा खत्म हो जाता। फिर मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इन यूट्यूबर्स के पास, जो ये समझते हैं कि वो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, ये दिफा कर रहे हैं और उनको इंसाफ दिला रहे हैं, उनमें से कोई एक यूट्यूबर भी अभी तक किसी अदालत में जाकर उसने सबूत नहीं दिया। किसी एक बिल्कुल यूट्यूबर ने जो यूट्यूब के ऊपर बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, झूठ बोल रहा है और कलामी मिला रहा है, वो मर्द हो या औरतें हो, उनमें से बिल्कुल किसी एक ने भी जाकर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अदालत में अब तक एक सबूत नहीं दिया। अगवा बराए तवान के हवाले से कि 25 लाख रुपए के मैसेजेस आए थे वालिद को कि तवान मांगा जा रहा है। उसके अलावा जो साथ ही जो है वो गैंग के हवाले से दावा किया गया था कि गैंग है, सारी चीजें हैं। फिर गैंग के अंदर कौन कौन शामिल है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके साबिक IG तक के ऊपर इल्जाम लगाए गए, अभी तक किसी भी एक यूट्यूबर ने इससे मुतल्लिक कोई एक सबूत अदालत में नहीं दिया। अब अगर कल कला को इस केस के अंदर मुद्दई मुकदमा के खिलाफ फैसला आता है तो मेरा ख्याल है सबसे बड़े दुश्मन अगर साबित होंगे तो वो यूट्यूबर्स होंगे जो कि ये कह रहे थे कि उनके पास सबूत है और वो लेकर अदालत नहीं गए बल्कि यूट्यूब के ऊपर अपनी दुकान चला के बैठे हुए थे। बिल्कुल और बिल्कुल लोगों को फिर बिल्कुल उनके लोगों को चाहिए कि उनके उनसे पूछे, उनसे बात करें और उनसे कहें कि आपके पास सबूत थे अगर, तो अगर नहीं थे तो आप 4 महीने से हमें एक बेवकूफ कैसे बनाया, और अगर थे तो आपने अदालत में जाकर वो सबूत क्यों नहीं दिए। और आप देखें चीजें वाजे हो रही हैं, अभी भी चौथा तफ्तीशी अफसर है, उसने जो चालान जमा कराया है उसमें कहीं अगवा बराए तावान की सेक्शन नहीं है, उसमें गैंग का जिक्र नहीं है, बल्कि इवन के 25 एक्यूज उसने रिलीज करने की सिफारिश की है। 25 एक्यूज, इट मीन्स कि नो गैंग, ठीक है। सिंपली उसने लव मैरिज का जिक्र भी किया है इसके अंदर, यानी कि बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका 164 है, 161 का जो स्टेटमेंट है वो अभी भी इंटैक्ट है, और बच्ची ने कहा है कि जी उसने ये बयान दिया है और वो इस बयान पर कायम है। तो सब कुछ वाजे तौर पे नजर आ गया है। बाकी इधर से उधर, उधर से इधर आप साजिशें कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, साजिशें कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं कि फलां जो है वो जर्नलिस्ट वहां पर है, या फलां एक्यूज फलां थाने के अंदर है, फलां जर्नलिस्ट ने ये कर दिया, फलां मुखालिफ यूट्यूबर ने ये किया है, तो फलां केस यहाँ लगा हुआ है तो आप यहाँ पहुंच के ये कर लें। ये सारी की सारी मुखबरी वाली जो चीजें होती हैं, नौकरों वाली जो चीजें होती हैं, वो कर लें, वो कर सकते हैं और करें वो इस चीज को। हम हर एक कद होता है ना अपना बड़ा, कि कोई मुलाजिम बनकर सोचता है, कोई नौकर बनकर सोचता है, कोई सहाफी बनकर सोचता है, फर्क सिर्फ इतना सा है। लोग कर लें, उनकी ठीक मुलाजमत भी कर लें, सारी चीजें कर लें, लेकिन अगर इस केस के अंदर नतीजा, देखें हम तो ये कह रहे हैं ना, देखें हम ये कह रहे हैं जहीर को यार उम्र कैद हो या फांसी हो, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। हमारा तो स्टांस ये है कि इसमें गैंग साबित कर दें, अगवा बराए तावान साबित कर दें, इसके अंदर आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी और और जो इस बात पंजाब को गलत यूनिवर्सिटी के साबित पास, करेंगे, पसंद की शादी नहीं है। हाँ बस ये साबित कर दें। अब अगर जहीर को सजा हो जाती है तो होने दे भाई, हमारा इससे क्या था, जो केस है मेरिट है, अदालत फैसला करेगी, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, लेकिन हम तो कथित तौर पर जहीर का दिफा नहीं कर रहे। हम तो जहीर का दिफा इसलिए भी नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज साबित कर दें कि रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने प्रोपेगेंडा किया झूठा, और दुनिया के अंदर ये इमेज बना के पेश किया कि शायद 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 पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहां पर कोई बच्ची महफूज नहीं है और कोई ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी बच्ची को यहाँ लेकर ना आए, हमें तो सिर्फ इसका जवाब चाहिए। हमें आप करते रहें, आप
आप भले से इस केस के अंदर जो है सजा दिलवा दें, आप लूटी मारे आप, हम तो इतराज भी नहीं करेंगे। देखें हम तो कल भी एतराज नहीं कर रहे थे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि इस केस में किसी को सजा दे दें या बरी कर दें, हम दोनों सूरतों के अंदर जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ऑर्डर को, हम तो पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन रखते हैं। लेकिन लेकिन इसमें आपको अगवा बराए तवान भी साबित करना है, जो आपने इल्जाम लगाए हैं पूरी कौम के सामने, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के इल्जाम लगाए हैं, इसके साथ आपने गैंग को भी बेनकाब करके नहीं बल्कि उसको आपने प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश करना है और गैंग को आपने साबित करना है, क्योंकि ये गैंग का जिक्र एक केस में नहीं है जुनैरा, ये एक केस का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, बिल्कुल बिल्कुल रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हुई है ना। तो हम भाई बिल्कुल इंडिविजुअल आपसे नहीं पूछ रहे, इंडिविजुअल केस को छोड़ दें, जहीर को सजा दिलवा दें आप, आपने हमारे प्यारे पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान के बारे में जो इल्जाम लगाया है कि यहाँ हर कोई दूसरी बच्ची ऐसी है खुदा ना खास्ता जिसको कोई किडनैप करके ले जा सकता है, और वालदैन अपनी बच्चियों के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, होना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, है। लेकिन लेकिन होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी प्रोपेगेंडा किया गया है गुज़िश्ता 4 माह के अंदर, अब वही यूट्यूबर्स, अब वो जहीर जाल में फंस गया, लेकिन अब गैंग्स निकाल दिया, मालिक का टब्बर कर रहा है, कोई जहीर मुलजिम कर रहा है, यार खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, जमील फारूकी भी तो पकड़ा गया है ना, एंकर था ना एक टीवी चैनल का, ये जितने ये यूट्यूबर्स बैठकर ये काम कर रहे हैं उनमें से किसी की भी टाइम तो लगता नहीं है ना, आपको पता है ना जब बिल्कुल डंडा बिल्कुल घूमता है रियासत एक्टिव होती है तो फिर नहीं देखती कि कितना बड़ा जो सॉफ्टवेयर जर्नलिस्ट अपडेट है, हो जाता है। नहीं, रियासत नहीं देखती कितना बड़ा एंकर है और कितनी बड़ी उसकी रेटिंग है और कितना बड़ा उसका फॉलोअर्स है, इमरान खान भी एंकर था ना, उसको भी उठा लिया, सारी चीजें हुई, इनमें से किसी को उठा लें और फिर उनके नाम को चेंज कर दें और उनकी उनकी फैमिली के बारे में जो है वो तोहमतें लगाएं कोई यूट्यूबर दूसरे बैठकर, कैसा लगेगा उनको, कैसा बिल्कुल लगेगा, एक लम्हे के लिए जरा सोचें ऐसे यूट्यूबर्स, और वो खवातीन भी सोचें कि वो जो दूसरे की माओ बहनों के ऊपर ये इल्जाम उठा रही हैं, खुदा ना खास्ता कल आप ही की फैमिली में से किसी के साथ गया और आपकी फैमिली के ऊपर ये सारे मामले हो रहे हो, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हो बेबुनियाद किस्म के, सजा हुए बगैर क्या फील होगा, क्या फील होगा। बिल्कुल अभी देखे ना एक एंकर ने जो जाफरी साहब से भी रबते में किसी तरीके से था, उनको एतराज ये था ना कि आपने एलिया भी यूट्यूबर है और एलिया यूट्यूबर होने की वजह से जो है वो एलिया को डिस्कस किया, यार आप दूसरों की माओ बहनों को डिस्कस कर रहे हैं, आप चौराहे के बिल्कुल ऊपर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें आप आप कह रहे नाम हैं कि लेके वो कर रहे जिसम हैं, फरोशी कराने वाले थे, वो अड्डों पे फरोख्त करने वाले थे बिना सबूत मैं के। देखें जुनैरा, देखें सॉरी टू से जाफरी साहब, मामला ये है आपकी जितनी इज्जत है, आपकी फैमिली की जितनी इज्जत है उतनी ही तकरीम आप दूसरे पाकिस्तानी को भी दें, दूसरा अगर गैर मुस्लिम है तो उसको भी दें, बल्कि हर इंसान को इज्जत तकरीम देनी चाहिए। देखें वैसे तो हर इंसान को चाहिए कि हर दूसरे इंसान की उतनी ही इज्जत करे जितनी अपनी करता है, उसकी फैमिली को भी उतनी इज्जत दे जितनी अपनी फैमिली को देता है, लेकिन ये जो मीडिया हाउसेस के ऊपर बैठ के यूट्यूबर्स या एंकर्स या सहाफी जो होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन आम शहरियों के मुकाबले में ज्यादा होती है, इनको बिल्कुल तो ज्यादा सेंसिटिव होकर बहुत एहतियात के साथ किसी के ऊपर बात करनी चाहिए, आप दूसरे की माँ के बारे में, बहनों के बारे में, भाभियों के बारे में, खानदान के बारे में, 65 साल खातून, नाबीना खातून को लाया गया, तो मैंने ऐसे यूट्यूबर्स को देखा जो ये कह रहे थे कि ये वाकई सही हुआ इसके साथ, ये भी गैंग का हिस्सा होगी और ये बच्ची स्मगल कर रही थी, तो तो बस 65 साल था, को भी खातून को सजा होनी चाहिए, यार 65 नहीं, आप वो में से 85 साल थी। सॉरी 85 साल, आप में से किसी भी फैमिली मेंबर के ऐसा हो जाए आपकी, ठीक है मैं ऐसे यूट्यूबर से कहता हूँ, देखें वक्त लगते देर नहीं लगती, पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है बल्कि दुनिया में हर चीज मुमकिन है, जब फिरौन गारत हो सकता है, फिरौन के लिए भी तो अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा था ना, उसके अरूज का वक्त था, फिर वो जब वक्त खत्म हुआ तो रस्सी खींची गई तो फिर क्या हुआ, सबके साथ हो सकता है, और ये जमील फारूकी की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो भी यूट्यूबर था ना, इन सबसे अच्छे खासे बिल्कुल उसके उसकी वो तो नेशनल टीवी का बल्कि एंकर था, उसके साथ हुआ जी ना, इससे पहले इमरान बिल्कुल खान के साथ हुआ, दीगर जर्नलिस्टों के साथ हुआ, सनी इब्राहिम साहब के साथ हुआ और बहुत सारे साथियों के साथ हुआ, ये आपके साथ हो जाए जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फिर आपके बारे में ये कहा जाए, आपका नाम लेके माली टब्बर कर दिया जाए, आपकी मिसिस का नाम आ जाए, आपके आपकी वालदा का नाम डिस्कस हो, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको दुख भी होगा, फिर तकलीफ भी शायद इतनी ज्यादा हो, मेरा ख्याल है बस इंसान को और फिर आप इंसान रहना जिस छप्पड़ की चाहिए। मिसालें देते हैं ना कि उस छप्पड़ में पौधे नहीं मिल रहे थे, फिर वो नहीं पौधे ले लेके आप रोएंगे पीटेंगे। नहीं नहीं इंसान को इंसान रहना चाहिए, फिरौनियत नहीं आनी चाहिए, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, बिल्कुल गरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है,
और आप बिल्कुल जो इंसान अपने आप को अकले कुल समझना शुरू कर दे कि मैं अकले कुल हूं और मेरे ऊपर जवाल नहीं आ सकता, मेरी नौकरी नहीं जा सकती, मुझे तो 8-10 लाख की जो सैलरी है, 2 लाख की, 1 लाख की सैलरी है, या यूट्यूब से जो मुझे इनकम हो रही है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, अल्लाह की हाँ जात से बढ़कर कोई चीज नहीं है, अल्लाह की जात से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमानेंट नौकरी पर होते हैं, 50-50 लाख रुपए सैलरीज ले रहे होते हैं, लेकिन जब पकड़ आती है तो जमीन के ऊपर चले जाते हैं, खरबपति लोग ऐसे ही है। जमीन के ऊपर चले जाते हैं। मैंने बड़े बड़े शख्सियात को देखा है जो खरबपति थे, और मैंने अदालतों के अंदर उनको देखा है कि उनके अपने बच्चों ने जायदादों के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं फिर ऐसे ही कहता है। हूं इनसे, यार आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, आप अपनी फैमिली को जितना रुतबा देते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी कदर करते हैं, और आपकी फैमिली के बारे में कोई डिस्कस करता है तो आपको गुस्सा आता है, यही जज्बात आप एक आम इंसान के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, और हर वो इंसान जो दुनिया में कहीं पर भी रहता है, उसके लिए भी यही रखें आप। फर्ज से फर्ज का अख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दूसरों की माओ बहनों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर जाकर बात करना, मेरा ख्याल है कि अल्लाह की लाठी जो है ना, वो फिर बेआवाज है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब पकड़ और होगी अल्लाह दूसरा ये ताला कि की। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगी कि हमने आज तक अगर अपने प्लेटफॉर्म से कोई बात की है तो हमने अगले बंदे को मौका दिया है। अगर हमने कोई इल्जाम आयद किया है तो हमने उनसे कहा है कि आप इसकी तरदीद करें। और इवन के पिछले दिनों में हमने कुछ इल्जाम जो दूसरी पार्टी पर लगाए थे तो हमने उनको 24 घंटे का टाइम दिया था कि अगर आपको लगता है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत शेयर की है तो आप उसकी तरदीद करें। उन्होंने तरदीद नहीं की, जिससे साफ जाहिर है कि वो जो हमारी खबर थी वो बिल्कुल सही थी। बस जुनैरा, मैंने तो आकर, अभी भी मेरा नंबर उनके पास मौजूद है, लाइव मुझे ले लें, मैं आ जाता हूं उनके साथ, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे सिर्फ हाँ 3 से 4 चीजों के ऊपर, देखिए केस के मेरिट को तो छोड़ देना, हमें सिर्फ ये 3 से 4 चीजें बता दे, और हमने केस के मेरिट के ऊपर अभी तक बहुत ज्यादा हमने उस तरफ किया भी नहीं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि यार ये हमारी फैमिली है दूसरी और इसको जो है हमने नहीं कुछ करना, हम कह रहे हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसको प्रूफ कर दें, जो आपने नेशनल टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा किया और उसके बाद आपने फैलाया, उसके बाद आपने कहा इसके अंदर गैंग मुलव्विस है, उसमें आपने पॉलिटिशियन से लेकर रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया, दो कमाल। चीजों पे, 3 चीजों के ऊपर आप कर दें, हमें हमें आप कह रहे हैं हम कल नहीं, आज नहीं, बल्कि इसी वक्त माफी मांग के चले जाएंगे, और मैं तो ये कह बिल्कुल। चुका हूं कि मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, लेकिन और वो क्या तावान भी जो सबूत है, उन्होंने कहा कि 25 लाख मांगा गया। मैंने वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात की ना, अखवा बराए तावान की बात की ना, ला दें सबूत अगर हैं तो, सबूत यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल बैठ कर सबूत क्या दे रहे हैं भाई, आप अदालत आए ना, अदालत में जाके सबूत दे दें, हम बात खत्म है, इसके बाद तो कोई बात रहती नहीं है, लेकिन मसला ये आपसे कह रहे हैं कि सबूत है लाऊंगा, अरे भाई कब लाओगे, जब केस के अंदर मुलजिम बरी हो जाएगा, जमानत कंफर्म हो जाएगी, या जमानत वो ले चुका है वैसे भी, इंटरम के ऊपर है, आप सबूत कब लेकर आएंगे। अच्छा बिलाल साहब, आपने एक बात नोट की है कि आप पिछले 22 मिनट से बोल रहे हैं और जाफरी साहब बीच में आपको टोका नहीं, उन्होंने रोका नहीं। उसकी वजह ये कि इन पर बर्डन काफी बढ़ गया है केसेस का। मेरे केसेस से तो इन्होंने जान छुड़वा ली है अंडरग्राउंड सेटलमेंट करके, और मैं रो रही हूँ इनकी जान को। मैं जाफरी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा, मेरे वकील हैं, आपके वकील है लेकिन मेरे नहीं बिलाल, वकील बिलाल जो बातें कर थे। रहा था वो बातें सुनना हम सब के लिए जरूरी था, वाह वाह, आज क्लाइंट और बन गया तो बातें सुनना जरूरी हो यही गया। पहले नहीं बिलाल नहीं बिलाल यही बिलाल। नहीं नहीं वो संजीदा जो बात, बिल्कुल जो फैक्ट्स है ना बिलाल, वो बयान कर रहा था, जो हमारा इंडिविजुअल करदार है इसमें बिलाल, उसके ऊपर बात कर रहा था। मेरे पास दो खबरें हैं जी आज। पहले मैं एक ये मिनट खबर रुके, सुनाना चाहूंगा, खबरें शेयर करने से पहले आप रिस्पॉन्ड करें। जो बिलाल साहब ने ये एमएलओ की बात की है कि एडीजे के पास चला गया है, तो ये हो जाएगा नहीं होगा? दूसरा, ये जो कह रहे थे कि सारा दिन प्रोपोगंडा चलता रहा कि खुदा ना खास्ता फांसी होगी और पता नहीं क्या क्या बकवासियात जो चल रही है, इन दोनों बातों पर पहले कमेंट करके फिर आप अपनी खबर पे आ जाए। देखिए जी एमएलओ जो इनकी अब ख्वाहिश बन चुका हुआ है ना, वो शायद कानून की ख्वाहिश नहीं है अभी तक, अगर इतना जरूरी होता तो हाई कोर्ट स्टेट वे डायरेक्शन दे देती कि ट्रायल कोर्ट फौरी तौर के ऊपर जो है विद इन, वो तो दिन मुतय्यन कर देते हैं कि इतने जी दिनों में एमएलओ जो है वो करवाया जाए। उन्होंने कहा है जी अगर ट्रायल कोर्ट बेहतर समझे तो, अगर कानून के मुताबिक समझे तो, अब इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन ये हर दफा जो है ना वो ये थोड़ी सी उसमें हैंगी पैंगी मार जाते हैं कि जी फलां ने हमें कहा है, जिस तरह इन्होंने मेडिकल बोर्ड के लिए दरखास्त दी और उसमें कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है,
अब इन्होंने जिस तरह बिलाल बता रहा था, मैंने वो एप्लीकेशन नहीं देखी, मैंने सुना है कि उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि जी हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में अच्छा जाएं जी, ट्रायल कोर्ट करें। अच्छा, अब चीज ये है कि अभी तो 26 को ट्रायल कोर्ट सुनेगी दोनों वकला को उस चालान के ऊपर, क्योंकि उसमें जो अहम दफात हैं वो पुलिस ने ऐड की हैं प्रोसिक्यूशन के कहने पे। वो सुनने के बाद अगर ट्रायल कोर्ट मुनासिब समझे कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो चालान पेश किया गया है, जो दफात लगाई गई हैं, ये सारी दफात ठीक हैं और जितना रिकॉर्ड है, जितनी स्टेटमेंट्स हैं परी की, वो सारी हवा में उड़ा देनी चाहिए, देन तो मेडिकल करवाना चाहिए जी। लेकिन मैंने कल भी एक बात कही थी कि एक तरफ मशरिक को चीजें जा रही हैं, एक तरफ मगरिब को जा रही हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है मिसल का हिस्सा, जो रिकॉर्ड के ऊपर जितनी एविडेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि वो 375 और 364 ए को जो है वो सपोर्ट करेंगे, कभी भी नहीं। और जब 164 का बयान, फिर रीसेंट जो बयान है 161 का, उसकी बड़ी वैल्यू है कि परी अभी भी जा रही है अपने पुराने बयान के साथ। लिहाजा मुझे तो यहाँ पे भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि कोई एमएलओ का, मुझे तो लग रहा है जिस तरह बिलाल दो तीन दिन से कह रहा है कि 375 भी खत्म होने वाली है। लेकिन देखें जी, कोर्ट में यह मैटर, अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट इसको क्या डिसाइड करती है। अब अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूँ। जी जी बोले जी जी बोले पूछे बोले पूछे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद ये भी तो बताएं ना कि आखिर वो कौन सा इतना अजीमोशान मुकदमा है जिसके लिए पूरे कराची को छोड़ के इन्होंने आपको अपना लॉयर जो है वो मुंतखिब कर लिया है। तो मेरे मेरी मेरे केसेस से भी आपकी तवज्जो हट जाएगी, आपके ऊपर बर्डन, ट्रिपल बर्डन हो गया। एक तरफ जहीर और परी का केस आप लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा केस तो लड़ ही नहीं रहे लेकिन मुझे तसलियां दे रहे हैं, और तीसरी तरफ आप बिलाल साहब के साथ हैं। ये क्या सीन हो रहा है, किस चीज का देखिए, मुकदमा? आप उस केस में, मैं हूं वकील, जब आप वकील हो अच्छा जाते हैं ना किसी केस में, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बढ़ जाती है। और आज ऑडियंस ऑडियंस आज देख ले, जुनैरा और मैं, हम दोनों दिए की रोशनी में बैठे हुए हैं आपके लिए, और बिलाल आज भी चमक दमक रहा है। वो इतना बड़ा काम हो गया है जो बिलाल ने कर दिया है, हम उसको डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी केस को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आप सारा अच्छा भी तो नाजरीन, मैं आपको अपनी, बता देती हूँ, अगर जाफरी साहब ने आज के इस लाइव शो में अपने इस क्लाइंट का ये राज ना खोला कि किस बात का मुकदमा इन्होंने लिया है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं जाफरी साहब के साथ नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर इन्होंने आपको इस लाइव सेशन में ना बताया तो इस लाइव के फौरन बाद में दोबारा 10 मिनट के लिए लाइव आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी अंदर की वो खबर, और वो इतनी बड़ी खबर है कि आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन यू 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 हिलेगी। आप बताएं, ये बता दे चीजें शाफी। चीजें जो हम इशारा करते थे ना पहले दिन से, हाँ जिस प्रेशर का हम यहाँ पे जिक्र करते थे, जिस लॉबी का हम जिक्र करते थे, वो चीजें एक्सपोज हो गई हैं। एक खातून का जिक्र हाँ बिलाल ने 2 दफा किया है, जो कि बेसिकली मुल्तान से हैं, मैं वो आपकी कराची बात रोक रही गई। हूँ, बहुत सारी ऑडियंस ने हमें कमेंट किया था, वो बार बार कह रहे थे कि बिलाल साहब ने एक खातून का जिक्र किया था लेकिन बिलाल साहब उस खातून के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। तो नाजरीन आप लोग सुन लें, जाफरी साहब एक्सप्लेन करने लगे हैं। अगर जाफरी साहब ने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन ना किया और बीच में बातों को रोक लिया तो मैं फिर से कह रही हूँ कि इसके बाद मैं फिर से लाइव आऊंगी और आपको सारी हकीकत बताऊंगी। चलें जी जाफरी साहब। मेरा क्लाइंट रो पड़ेगा, मेरा क्लाइंट रो पड़ेगा। हमारा हमारा जाफरी साहब आप क्लाइंट की मर्जी के बगैर कुछ कह सकते हैं? नहीं आप नहीं कह बिल्कुल सकते, नहीं मैं कह तो सकते, नहीं कह नहीं, सकते, वो नहीं कह सकते, मैं तो हालांकि पीस होल्ड नहीं, हालांकि जाफरी जाफरी साहब, साहब का जाफरी साहब, आप दावा है, क्लाइंट, आपके क्लाइंट ने आपको नहीं दी परमिशन अभी। अभी परमिशन भी नहीं अच्छा दी एक और मिनट अभी फीस भी, एक मिनट यार मियां एक साहब, मिनट, अभी परमिशन भी नहीं दी हालांकि मियां साहब। जाफरी साहब का दावा है कि वो कच्चा धुआं नहीं छोड़ते लेकिन कभी कभी जब मिक्स करते अच्छा हैं ना तो शक होता है कि यार शायद कहीं ना कहीं अच्छा कच्चा धुआं छोड़ दिया है। एक मिनट अभी नाजरीन मेरी परमिशन बात भी नहीं सुने, दी। आप लोग मेरे लाइव पे यहाँ जुनैरा बैठे, एक मिनट जुनैरा रुके, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। नाजरीन मैं आपसे कह रही हूँ कि देखें इस वक्त जाफरी साहब जो है ना वो वकील हैं, किसके? बिलाल साहब के, और मेरे थे तो वकील जो है ना बिलाल साहब के, तो वो क्लाइंट है। अब वो क्लाइंट अगर अपने वकील को मना करता है तो ठीक है जी, वकील मना हो जाता है लेकिन मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अपने सोर्सेज हैं, मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया है और मैं इसके बाद लाइव आके आपको सारा कच्चा छट्ठा बताऊंगी और आपके पैरों के नीचे से जमीन ना वेरी निकली मेरा नाइस, नाम बदल दीजिएगा। आप बोलो। वेरी नाइस। देखें जी, एक वकील के फीस लिए, एक डॉक्टर साहब वकील के फीस कितनी लिए है? सुन फीस लेना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं।
एक वकील के लिए इंतहाई नाजुक सूरतेहाल होती है कि जब क्लाइंट की अभी फीस भी ना आई हो और क्लाइंट कोई बात बता दे कि परमिशन भी ना दे, तो अगर तो फीस आ गई हो तो फिर हम थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं, लेकिन अभी सूरतेहाल बहुत नाजुक है तो। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि हम जिस लॉबी की तरफ इशारा करते थे ना जी, आरजू फातिमा वाला केस, उसमें उसका एक बहुत अहम किरदार, एक खातून जो कि जिनका मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, अगर आपको पता होगा तो आप बता दीजिएगा लोगों को। अच्छा, वो खातून बेसिकली मुल्तान से हैं, मुल्तान से वो कराची गई, कराची में जाके उन्होंने एक पादरी से शादी की, शादी करने के बाद वो एक चर्च में एक जो हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स हैं उनकी इबादत गाह में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, उसी चर्च के कॉटेज में उनको रिहाइश भी दी गई, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली है उनकी, तीन बेटियां हैं एक बेटा है। वो खातून और मेरा जबरी फाजल वो एक्सपोज हो गए हैं। हाँ, मैं यहाँ पे ऑडियंस को एक चीज बता दूं सिर्फ इतनी, अब बेशक उसमें से फीस मेरी ये 10% काट ले, लेकिन मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि किसी भी अदारे की तरफ से, किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से और इस तरह के किसी मजहबी और एक हसास किस्म के जो अदारे हैं उनकी तरफ से कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बनवा के उसको पब्लिक करना और उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना जी एक संगीन नोयत का जुर्म है। और ये जुर्म जो है वो हुआ है और ये ताजीराते पाकिस्तान की नाकाबले जमानत दफात के तहत आता है और आईने पाकिस्तान और इसमें ये है कि उस लेटर के जरिए मेरे क्लाइंट की जो के एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक इंतहाई अहम अदारे का परमानेंट मेंबर है, लाइफ मेंबर है कराची प्रेस क्लब का, और उसके अलावा उसके ऊपर प्रेस क्लब की एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी भी आयद है, वो है कि वो लीगल कमेटी में जो है वो सेक्रेटरी है लीगल कमेटी का, ठीक है। तो इस तरह के और जिस बंदे ने 18-20 साल गुजार दिए साफत में, उसके ऊपर इल्जाम लगा देना कि उसने कोई मजहबी मुनाफरत फैलाई है, कोई उसने शरंगेज चीज की है जो कि किसी मजहब के अगेंस्ट है, ये एक बड़ा संगीन किस्म का और हीनियस किस्म का ये जो है वो ऑफेंस बनता है, जिसके ऊपर इसकी दो कार्रवाइयां हो सकती हैं, इसमें हम सिविल सू भी कर सकते हैं फॉर डेफामेशन और हम इसमें फौजदारी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और अगर मेरे क्लाइंट चाहेंगे तो इंशाल्लाह दोनों कार्रवाइयां की जाएंगी। फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो जरूरी होता है लीगल नोटिस हमारा अंडर प्रोसेस है, वो बहुत जल्द चला जाएगा, और मेरा जबरी फाजल जो हमने यहाँ पे बातें की थी, जिसके हक में औरत फाउंडेशन भी निकली और बहुत सारी और भी इस तरह की चीजें चूं चूं के मरबे निकले, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीजें एक्सपोज होने आ रही हैं, और ये चीजें लोगों को बता देंगी कि क्या हो रहा है और ये किस तरह के लोग हैं और इनका कितना इन्फ्लुएंस है। और लोगों को आरजू फातिमा वाला केस नहीं भूलना, ना ही हमने भूलने देना है। ये तो जी केस के बारे में था थोड़ा सा। अब मैं खबर देने जा रहा हूं जी आपको, 14 अगस्त 2022 पाकिस्तान का। एक सेकंड, आपकी खबर से पहले मैं ये खबर ले चुकी हुई हूँ, ये खबर भी मेरे पास है नाजरीन। अभी तो जाफरी साहब आपको ये खबर देंगे, लेकिन ये जो खबर एक गोलमोल कर गए ना बिलाल साहब को लेकर, ये पूरी खबर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस लाइव सेशन के बाद आके बताऊंगी, और मेरे साथ मियासिफ साहब होंगे, सिर्फ मैं और मियासिफ साहब होंगे, क्योंकि ना तो मैं इनके क्लाइंट को कुछ कहूंगी और ना मैं इनके वकील को कुछ कहूंगी, ना मेरा लेना देना इन्हना दे वकील दे नाल, ना इन्हना दे क्लाइंट दे नाल, ठीक है। तो मियां साहब आपने रेडी रहना है, और 34 मिनट हमें हो गए हैं, खबर दें। लेकिन ये मैं आपको नाज़रीन बहुत बड़ी खबर जाफरी साहब बताने जा रहे हैं, जो मैंने अपने तौर पे कंफर्म किया कि 14 तारीख को क्या हुआ था।
14 अगस्त को ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਨਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਇਹ ਨਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਰਿਹਾ हालांकि मैं जब भी आता हूँ लेट इसीलिए आता हूँ कि मैंने जो काम करने होते वो सारे करके आता हूँ और फिर आप मुझे कह रहे हैं जी काम कर रहा हूँ यार आप वो आपने जुनैरा को आपने जुनैरा को दोबारा भी टाइम देना ना अब जुनैरा कहाँ गई है वो खबर इतनी मजे की है कि वो जुनैरा खबर लेने गई है कैसे मियां साहब ठीक हैं आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल एक चीज मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई आपके ऊपर प्रेशर आएगा ये मैं चीज ऑन एयर कह रहा हूं आपने इस चीज से पीछे नहीं हटना ये आपके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया गया था हम यहाँ पे हमने आज तक कोई गैर अखलाकी कोई गैर इस्लामी या कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे कोई भी सोसाइटी में जहां तक जी जाफरी सब कहां चले गए जी नजर आ रहा हूँ मैं आ रहे हैं आप नजर नहीं आप ही तो नजर आ रहे हैं हर जगह मसला ही तो ये है जाफरी साहब आज आप नजर नहीं आ रहे आपका कैमरा जो है ना वो नाराज है आपसे आज लाइव हम सही है उधार जिन्होंने जिनसे उधार केबल की तार ली हुई है ना वो साथ में इंटरनेट की उसने आज लाइट ऑफ कर दिया एहतजाज यार आपका आज लाइट गई हुई है आज लाइट पता नहीं खूबसूरत फेस नहीं आ रहा ना क्लियर नहीं आ रहा आपने कैमरा नहीं साफ किया बारिश हुई है तो लाइट जो है वो गई हुई अच्छा 14 अगस्त 2022 पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पे एक इदारे के कुछ लोग गए हैं उस शेल्टर होम में जहां पे परी इस वक्त मुकीम है ब्रेकिंग न्यूज उन लोगों की परी से मुलाकात हुई है डिटेल में बातचीत तो नहीं हुई लेकिन हेलो हाय हुई है उन्हीं अच्छा। बंदों में से समझ लें कि एक बंदा है जिसने ये मुझे बताया है कि परी जो है वो काफी स्ट्रेस में है और वो और ज्यादा वीक हो चुकी है बिल्कुल हुई होगी खाना तो वो खाती नहीं मैंने उस बंदे से पूछा है कि कोई अंदर खाते कोई गेम तो नहीं हो गई कि कोई उससे कोई बंदा जाके मिला हो या उसे जबरदस्ती मिलने के लिए फोर्स किया हो उसने कहा ऐसी जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर क्योंकि हमने यहाँ पे ओ मियां साहब की बात की तरह कच्चा धुआं नहीं छोड़ना होता पूछा गया है बच्ची से लेकिन बच्ची ने मुलाकात से इनकार किया तो उसको इंसिस्ट नहीं किया गया कि तुम लाजमी मिलो लेकिन एक चीज थोड़ी सी परेशानी वाली है कि वो जो परी है वो मेंटली तौर पे बड़ी स्ट्रेस्ड है इस वक्त और वो काफी वीक हो चुकी है क्योंकि खाना पीना तो आपको पता है वो वैसे भी रूटीन का नहीं खाती थी और वहां पे उसके कोई लाड करने वाला है नहीं ये न्यूज है और मैं आपको इस अदारे का नाम आज नहीं बता रहा लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी या किसी को कोई शक हुआ तो मैं अदारे का नाम भी बता दूंगा आपको जी ये आज की एक ब्रेकिंग थी और ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि सारा दिन जो लेज के चिप्स खा खू के और साथ में कोक पीती हो और पिज्जा खा लेती हो जाहिर बात है ना वहां पे किसी ने नखरे उठाने हैं ना किसी ने पिज्जा पूछना है ना किसी ने चिप्स खिलाने हैं और वैसे भी जब इंसान टेंशन में हो क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जब लास्ट डे मैं और आप गए थे दारुल अमान में मेरी तो चले मुलाकात हुई नहीं हुई लेकिन आपकी जब मुलाकात हुई थी तो उसने आपको ये कहा था क्योंकि उसके जहन में ये था कि मैं एक दो दिन के लिए जा रही हूँ जैसे पहले भी वो जाती थी यहाँ से मेडिकल के लिए भी गई थी तो एक दो दिन में वापस आ जाती थी लेकिन अब की बार देखें कि उसको एक महीना हो गया वहां पर तो मेरी भी इतलात है जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मुझे भी मेरी इतलात ये है कि परी इस वक्त इसलिए परेशान है कि उसको वहां पर ये कहा गया है कि शायद तुम एक लंबे अरसे के लिए यहाँ पर रहो और इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो हर सूरत अपने शोहर के पास जाना चाहती है उस बंदे ने मुझे ये बोला है कि जाफरी साहब ये टास्क दिया गया है कुछ लोगों को कुछ इदारों को और एक मखसूस एक दो लॉबीज को ये टास्क दिया गया है कुछ भी हो जाए परी पंजाब नहीं जानी चाहिए और ये जितनी वर्किंग हो रही है ये जो कुछ हो रहा है यार देखें मियां साहब जी जी ठीक है हमारे हमारे पाकिस्तान में
थोड़ा बहुत है कि हम मेरिट को इग्नोर कर देते हैं समटाइम, लेकिन इतनी ज्यादती प्रेशर के बिना हो नहीं सकती। बिल्कुल। 164 के बयान के बाद हाई कोर्ट भेज रहा है बीवी को शोहर के साथ, सुप्रीम कोर्ट भेज रही है, इतना प्रेशर हो नहीं सकता। और पुलिस के चार जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है वो बदल दिए गए, एक आईजी को बदल दिया गया, और फिर जो आखिरी कील था ताबूत का वो प्रोसिक्यूशन से ठुकवा दिया गया। तो ये दफात भी लगनी चाहिए जिन्होंने रोस्टम पे खड़े होके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो के डीएसपी रैंक है, कोई एएसआई नहीं है, जिसकी इंसल्ट की और फोर्स किया गया, जब उसने फिर भी ना लिखा तो फिर खुद उसको नोट करके तो भेज दिया गया। ये इतना प्रेशर, और हमने जो एक बात रिवील की थी यहाँ पे मेरे जबरी फाजल के हवाले से, उसकी हमदर्दियां किस तरफ हैं, वो किन से बिलोंग करता है, आज मुझे 100% एक बंदे ने कसम खा के बताया है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था। उसी लॉबी से मेरे जबरी फाजल का ताल्लुक है, उसी फिरके से, उसी स्कूल ऑफ थॉट से, फिरका नहीं मैं कहूंगा, स्कूल ऑफ थॉट मैं कह लेता हूं, मैं ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं बोलना चाहता, उसका ताल्लुक है। इसी वजह से 2018 में उसके साथ अच्छी खासी हुई थी, और वहां पे कोई वो तकरीर वगैरह कर रहा था, वहां पे आग भी लगाई गई थी। बिलाल इस चीज के बारे में बेहतर समझ सकता है, लेकिन मेरा जो सोर्स है वो इतना वैलिड है कि बिलाल खुद परेशान हो गया था, मेरी शाम को 6 बजे इससे बात हुई है, ये सर पकड़ के बैठ गया था, इसने कहा यार वाह, ये तो वो जाफरी साहब आज आपके वो जुमा जुमा 8 दिन क्लाइंट बने हैं, क्यों नहीं ग्रुप में मुझे भी शामिल करते हैं आप लोग जब आपस में ये सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं। नहीं, आप ये 2018 वाला क्लिप तो आपको मेरे एडमिन ने दिया था, ये जो हमारे हमारे लेफ्ट साइड वाले दोनों है ना जी, ये दोनों अलहदा से लाइव आ जाते हैं, ये अभी बिलाल ये अभी इतने पक्के नहीं हुए, बिलाल और मैं इतने पक्के हैं कि मुझे ये भी पता होता था कि बिलाल इस वक्त कहाँ पे बैठे और क्या काम हो रहा है। और जो डॉक्यूमेंट आज हम या हम एक दो दिन में रिवील करने जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास तकरीबन 15-16 दिन से पड़ा हुआ है, बिलाल ऐसे ही है, लेकिन जी जी आज तक हमने हवा नहीं लगने दी उसे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको पता चलने जा रही है, जो कि मैं लाइव के बाद फिर से लाइव में आपको जरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि ये ढके छुपे अल्फाज में अपने क्लाइंट का पर्दा रख रहे हैं, लेकिन कल भी आपको एक बहुत बड़ी खबर जो है ना वो रिवील करने वाले हैं, और ये आने वाले 2-3 दिन जो है ना आपके लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना शॉकिंग इसलिए होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग जिनको मिसगाइड किया गया था उनके आगे जब सच्चाई आएगी तो वो बहुत हैरान हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि अब 2-3 दिन हमारे सीरियस भी होने वाले हैं, वो जरा थोड़ी सी चिट चैट आज आप देख रहे होंगे कि मैंने भी दूसरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाया और हम कमेंट्स भी नहीं चलने दे रहे, अब सीरियस, क्योंकि हमें किसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इकट्ठा कर दिया। Exactly. हम जैसे जैसे भी हुए, हम कोई इकट्ठे हम दोस्त नहीं थे इस केस से पहले, आहिस्ता आहिस्ता जू जू इस केस में लोग इन्वॉल्व होते गए, एक साइड के जो थे वो एक साइड पे होते गए, दूसरे साइड के जो थे वो दूसरी साइड पे होते गए, हमारा सिवाय मेरा और मियां साहब का और मेरा 14 साल का एक ताल्लुक है, लेकिन उसमें हमारा ऐसे ही होता था कि कभी मुलाकात होगी कभी ना होगी, रेगुलर नहीं था जिस तरह भी है। हमें अल्लाह ने हर फील्ड से, हमारा एक तमाम फ्लेवर है, ये जो पैनल आपको लोगों नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हर इंसान का, हर बंदे का एक अपना फ्लेवर है, हर बंदे की एक अपनी बात है, हर बंदे का एक अपना करिश्मा है, लिहाजा हमें जो इकट्ठा किया गया है ना जी, जुनैरा माहम ये सबब बन गई है, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, हमने ये चीजें एक्सपोज करनी थी, हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि किस तरह से चीजों को गलत इस्तेमाल करके प्रेशर डाला जा रहा है, जिसका एक मकसद हमें चुप करवाना है, दूसरा मकसद वही जो आरजू फातिमा वाला केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस केस के ऊपर बात करने से कुछ लोगों को मरोड़ उठे थे, वो मरोड़ उठने की वजह यह है कि अभी हम एक्सपोज करने जा रहे हैं, और इसमें जिस खातून मुल्तान वाली का मैंने जिक्र किया, इस खातून का भी बहुत अहम किरदार है जी। जी तो अब मैं चाहूंगी कि बिलाल साहब आप इसे कंक्लूड करें, और उसके बाद मैं लाइव आके सारा कच्चा चट्टा खोल दूं, क्योंकि मुझे आप नहीं रोक सकते, फीस आपने उनको दी होगी, मुझे फीस नहीं आपने दी, ठीक है, और अगर आप मुझे फीस दे भी दें तो आपके डॉलर्स मेरा मुंह बंद नहीं करा सकते। मियां साहब, अच्छा, एक मिनट, बिलाल 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 मियां साहब,
मियां साहब कम कम खतरनाक जे कोई बहाना बना के मेरे आ जाओ चुप करके, चाय पीने आ, गपशप करते हैं। 14 साल से आप मुझे जानते हैं, आपके कहने के मुताबिक ना मैं डरने वाला हूँ ना बिलाल साहब डरने वाला, आप हौसला जरूर देते हैं, जब पीछे आप मुड़ के देखते हैं तो आप नजर नहीं आ रहे होते। हमें बहुत सारे दूर है लेकिन हम अपने फोकस से खबर बस इतनी है कि जाहिर है कि अब दो दिन की बात है, आज वैसे 24 हो गई है, कल 25 है, परसों जो है 26 है, 26 को सारी चीजें चलान भी आएंगी, सारी चीजें होंगी, और फिलहाल हमें तो कोई ऐसी चीज, वो ऐसा होता है ना धमाका खेज कोई चीज, मतलब धमाका खेज एक नहीं, बात है, धमाका नहीं, नहीं, ऐसा नहीं केस की हियरिंग के बाद ऐसा हो कि धमाका खेज हो, जैसे आप कहें कि मुलजिम को यहीं से पकड़ के ले जाओ और हाँ। इसको सजाए मौत दे दो और सुबह फजर की नमाज से पहले पहले इसको सजाए मौत दे के अगले दिन रिपोर्ट मेरे पास दे देना, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही जी। नहीं, एक अमेंडमेंट हो रही है सिंध में कि सजाए मौत का जो मुलजिम है वो अपना सब्स्टिट्यूट दे सकता है, अल्टरनेटिव दे सकता है। एक बंदा जिसने 1800 साल की बहारें देख ली हो, अगर वो किसी अच्छे नेक काम में भगत सिंह बन जाए, इनकलाब जिंदाबाद कहता हुआ, तो अच्छा वो जगह फील कर सकता है। मुझे आज अमरीश पुरी याद आ गया, अरे ओ बच्ची कहाँ है तू। तो मोगैम्बो खुश हुआ, आप लोग जो राइट वाले साइड हो ना, राइटिस्ट एंड वी आर लेफ्टिस्ट, तो जनाब अली बिलाल साहब ने तो कर लिया कंक्लूड, और बिलाल साहब नाजरीन आज बहुत, वो पंजाबी में एक वर्ड है, पता नहीं इनको समझ आएगी कि नहीं, मीसने बने हुए हैं और आप लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं और मियां साहब सारा कच्चा चट्टा खोलने वाले हैं, लाइव के बाद फिर से लाइव का इंतजार करें, जाफी साहब कंक्लूड कर दें जी। इसमें कंक्लूजन यही है कि 26 तारीख अहम है इस केस में, और अल्लाह खैर करेगा, सब दुआ कीजिएगा आप बच्चों के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि MLO होगा, क्योंकि चीजें बिलाल ने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दी हैं, MLO होना भी नहीं चाहिए, एक बच्ची जो कि किसी की बीवी है, उसकी तजलील और उसको बिलो द बेल्ट जाके मेरा ख्याल है कि ट्रीट नहीं करना चाहिए, और 26 तारीख है मैं जी। उसके अलावा बिलाल बहुत धमाके करने वाला है इंशाल्लाह, और मेरे पास अब एक ऐसा बंदा है कि ऐसी ऐसी आपको अंदर की खबर आएगी दिल्ली कोई ना कोई, कि दूसरी पार्टी, अवाम तो शायद समझेगी कि ठीक है जी हो रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी को पता चलेगा कि वाकई यार इनू किवें पता लग रहा है। तो अल्लाह ताला मदद करने जा रहे हैं, और ये जो हमारा प्रेशर है, अल्लाह जब तक हम कायम है इस केस की हद तक, अगर अल्लाह खैर रखे तो वो प्रेशर कायम रहेगा, हम चीजों को एक्सपोज करते रहेंगे और हम लोगों को सच बताते रहेंगे इंशाल्लाह जी। तो नाजरीन आप लोग मेरे साथ रहिए, और अभी मैं लाइव सेशन ये वाला जो 4 वाला ना ये खत्म करके 2 वाला ला रही हूँ। मियां साहब आपको दोबारा से लिंक शेयर करते हैं हमारे एडमिन, और दोबारा से हम आते हैं लाइव, और मैं आपके होश उड़ा देने वाली खबरें जो है ना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो वकील साहब है ना इनको भी फीस मिली नहीं है इसलिए बताना नहीं चाह रहे। तो ठीक है, इसी के साथ हमें दे इजाजत आज के इस वाले लाइव से, दूसरे लाइव में आ जाए और होती है मुलाकात, क्योंकि मैंने ये सारा कच्चा चट्टा लिख के रखा हुआ है। और ऑडियंस वी आर सॉरी कि आज हम आपके जो आपके साथ गपशप नहीं कर सके, मैं भी बोर हो रहा हूँ और यकीनन आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, आपने तो होना ही है, आपकी तारीफें तो नहीं हो रही। हाँ, नहीं वो अच्छा लगता है, देखे ना लोग अब स्पेशल बैठे हैं हमारे लिए, तो 1-2 दिन सिर्फ हमें दे दें, हम कुछ चीजों को रिवील कर लें यहाँ पे, कुछ चीजें सीरियस हैं, क्योंकि इस केस के पीछे जो प्रेशर था और उस प्रेशर के जो महरुकात थे हम उनको एक्सपोज करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि ये पैनल वाकई ही किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनवा दिया, जुनैरा से ये करवा दिया अल्लाह ने। ठीक है जी, मुझे भी कोई एक लाइन बोलने का टाइम दे दें जनाब। नहीं 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 मियां साहब, बिल्कुल मैं और आप आ रहे हैं, मियां साहब हम अलग से लाइव में आ रहे हैं, हमने इनके साथ बात नहीं करनी ना, हमने इनके कच्चे धुएं शेयर करने हैं यहाँ पे, कोई गल नहीं, साडा तो सबर ही है, कोई गल नहीं।
कोई गल नहीं, ओके जी, अल्लाह हाफिज, लेकिन अल्लाह हाफिज सबको, सबको दोबारा अब ज्यादा से आप जाके आप जाके दोबारा से आए, इसमें आप नहीं कोई बात करेंगे, मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी का मसला है, आपके क्लाइंट की प्राइवेसी का मसला, लेकिन मेरे मियां साहब हमारे जो है ना जैद सहाफी हैं, और इन्हीं से मैंने ये सारी खबरें ली हैं जो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, और सहाफी जो होता है वो ये बड़े आपको पता है छुपे रुस्तम है, इन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन करके खबरें तक पहुंचा दी आपके साथ, सारी सजाएं मुझे ही कराना मियां साहब की चिड़ी, इसका मतलब है सिंध में आजकल सब सब यही है, मियां साहब की चिड़ी के साथ जो है ना आजकल रॉकेट लगा हुआ है, वो कहीं पे भी पहुंच जाती है, और वो टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल जो है ना कहीं पे भी चली जाती है, टाइम एंड स्पेस को क्रॉस करके। तो मियां साहब आपको दोबारा लिंक आता है, आप मेरे साथ आए, इनको छोड़ें, और आज से नाजरीन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने वकील भी चेंज कर लिए हैं, इनको थोड़ा सा बैकफुट पे ले गई क्योंकि जरूरत से ज्यादा बिजी हो गए हैं। तारिक साहब हैं हमारे फैमिली लॉयर हैं, अब मैं उनकी खिदमात हासिल करूंगी, और इसी के साथ मुझे इस लाइव से दें इजाजत, नेक्स्ट लाइव में आपसे होती है मुलाकात, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।